एंटी प्लेटलेट ड्रग्स, उसका एक और एक नाम क्या है, एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग्स है। ओके, सो हम लोग इसमें एक निमोनिक याद रखना, जिसका नाम है TPPG। ओके, इसमें से टी क्या है तो थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस है, पी से प्लेटलेट कैंप है, P2Y12 रिसेप्टर है, GP2B3A है। इसमें से एक याद रख लो कि ये खाली एनहेंसर टाइप है, बाकी सब ब्लॉकर टाइप्स है। ये इनिबिटर हो गया, ये ब्लॉकर है, ये एंटागोनिस्ट है, ये खाली क्या है हम लोग का एनहेंसर टाइप है, प्लेटलेट कैंप एनहेंसर टाइप है। ओके, सो थ्रोम्बोक्सिन में कौन सा दवा आएगा तो एस्पिरिन आ जाएगा, और इसमें प्लेटलेट कैंप एनहेंसर में डाइपिरिडामोल, ये बहुत ईजी से याद रख सकते हैं, पिरिंजिफाइन नहीं होना, साथ में रहेंगे तो क्या होगा हम लोग का एक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है, सो डाइपिरिडामोल। ओके, साथ में है दो जन मिलकर साथ में पिरिडामोल। ओके, नहीं होना है, साथ में रहेगा, सो एनहांसर हो रहा है। नेक्स्ट P2Y12 रिसेप्टर ब्लॉकर में ग्रेल वाला बॉडी याद रख लो, ग्रेल, क्लोपिडोग्रेल है, प्रासू ग्रेल है, टिका ग्रेल है, इसमें OR ऐड कर देना, सो क्लोपी प्रासू टिका ग्रेल OR ऐड कर देना, ठीक है। ये जो क्लोपी है ना, इधर से एक वर्ड आ जाएगा टिक्लोपिडिन, क्लोपिडिन, यहाँ ये क्लोपिडिन है, टिक्लोपिडिन, क्लोपी, यहीं से आ जाएगा क्लोपी डॉग ग्रेल। ओके, नेक्स्ट इसमें GP2B3 में मैं आपको ईट वाला वर्ड याद रखना, ईट निमोनिक, एप्टीफेबटाइड, एब्सिक्सिमैब और टीरोफिबैन, ये आप लोग बार बार बोल के देखोगे तो और आपको याद हो जाएगा, ईट, एप्टीफेबटाइड, एब्सिक्सिमैब और टीरोफिबैन। ओके, सो डन, हैप्पी लर्निंग।